हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस इंग्लिश रोज की फूल से। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश रोज और देसी रोज की केयर है, समर केयर। जैसा कि अब गर्मियां स्टार्ट ही हो गई हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये जो प्लांट होते हैं खासकर इंग्लिश रोज, उसको आपको किस तरीके से देखभाल करनी है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके इंग्लिश रोज में कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहे और देसी रोज में भी, तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ उसे ज्यादा धूप न मिले, ज्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर अपना असर न दिखाए, क्योंकि ये प्लांट खासकर इंग्लिश रोज ये ठंडे देश का प्लांट है और हमारे यहाँ ये विंटर में ही ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है, समर में भी करता है, लेकिन अगर आप फुल सनलाइट में इसको छोड़ देंगे तो उसकी पत्तियां वगैरह भी बर्न हो जाएंगी और फूल भी उतने अच्छे नहीं दिखेंगे बर्न होने के कारण। तो आप इसे थोड़ी सी स्टेडी प्लेस में रखिए। देसी गुलाब को अगर आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाती है, तो इसके लिए पर्याप्त होगी और इसके जो फूल होंगे उनके कलर भी काफ़ी खूबसूरत होंगे। अगर इन्हें फुल सनलाइट में रख देंगे तो इनकी जो कलियाँ होंगी वो बहुत ही छोटी रहेंगी, तभी खिल जाएंगी और फूल का रंग जो होगा वो इतना खूबसूरत नहीं होगा जितना कि आपको ये देखने में लग रहा है, क्योंकि तेज धूप से इनका भी बुरा हाल हो जाता है। बाकी खाद की बात करें तो दोनों ही इंग्लिश और देसी रोज दोनों को ही आप कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जो कि जिसकी की तासीर ठंडी हो, ज़्यादा गर्म ना, और उसमें जो हमारे किचन में काली मिर्च होती है, सिनेमन पाउडर होता है या सिनेमन की लकड़ी होती है, उसका पाउडर आप काली मिर्च को आप उसका पाउडर बना लीजिए, दरदरा कर लीजिए, आधा चम्मच आप 10 से 12 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करिए, उसके बाद उसमें डाल दीजिए, जिससे ये होगा कि काली मिर्च में पोटेशियम बहुत ही अच्छा होता है और फ्लावर प्लांट के लिए फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसके बाद प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो वो भी अच्छे से ही फ्लावरिंग करेगा, तो इसके लिए आप डाल सकती हैं। बाकी लिक्विड फर्टिलाइजर गोबर की अच्छी सड़ी गली हुई खाद को आप पानी में डिप करके रखिए, उसके बाद उस पानी को जो खाद होगी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, तो उस पानी में और पानी, नॉर्मल पानी डिजॉल्व करके अपने प्लांट में ज़रूर से डालिए, उससे भी होगा ये कि आपके प्लांट को फास्फोरस मिलता रहेगा और लिक्विड फास्फोरस मिलने की वजह से वो अपना कंटिन्यू काम करते रहेंगे, क्योंकि जो रोज प्लांट होता है वो हैवी फिटर होता है और कंटिन्यू फ्लावरिंग करने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर तो हमेशा ही डाल देना चाहिए। और रोज प्लांट को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो आप इसे इसमें थोड़ी सी जो नींबू वगैरह हम लोग सिकंजी या नींबू का कोई भी इस्तेमाल करने के बाद उसकी छिलके फेंक देते हैं, तो आप उसे किसी डिब्बे में बंद करके रखिए थोड़ा सा पानी डाल के, तो उसके रस को फिर आप आधा से, जो वो पानी तैयार होगा उसको आप आधा से एक चम्मच आपके अपने रोज फ्लावर प्लांट के गमले में डाल दीजिए, तो उससे आपके गुलाब की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी, बाकी ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। बाकी मेरा रोज प्लांट आप देख ही सकते हैं इंग्लिश वाला कितना हेल्दी है, इसकी प्रूनिंग वगैरह करके फर्टिलाइजर दिया था तो बहुत ही अच्छी इस पर ग्रोथ नज़र आई हमको और इसमें फूल भी खिले हैं, जो फूल है उसका कलर आप देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देसी रोज है, देसी रोज पर भी इसी तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह देती रहती हूँ, पर 3 कलियाँ आई हुई हैं छोटी छोटी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पत्ते देख सकते हैं इतने बड़े बड़े हैं और हमारे जो प्लांट है हमेशा कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, और जब भी प्लांट फ्लावरिंग कर ले तो उसकी स्पेंट जो ब्रांच है उसको हटाते रहे, सूखी पत्तियां हटाते रहे, कटाई छटाई ज़रूर से करते रहें। ये देखिए जैसे गिर गया फूल, तो अब इसकी कटाई छटाई करना ज़रूरी है, तो हालांकि इन दिनों इतनी ज़्यादा फूल आ रहे हैं रोज प्लांट में कि मैं कटाई छटाई भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही छोटी है, कॉमन है और इसी को अपना कर आप अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं और इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से कि 12-1 बजे जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और अच्छे से नेट चलता नहीं है, ये सभी के साथ हो सकता है। और बाकी अर्ली मॉर्निंग में नेट बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये देखिए, मैं भी टेरेस पे आई हुई हूँ और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, जो भी टेरेस पे आओ तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। कल शाम को ही मैंने टेरेस की साफ़ सफाई की है, मैं थोड़ा सा सिवाई की वजह से बिजी रहती हूँ,
इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैं बहुत ही, जब भी कोई काम करती हूँ तो बहुत ही जल्दी जल्दी करती हूँ, ताकि थोड़े से ही टाइम में मैं अपने गार्डन का पूरा काम कंप्लीट कर दूँ। और इसके जो बीज हैं वो भी बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए पिटूनिया के, तो इसको भी कलेक्ट करना है। हालांकि इसमें बीज नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसमें बीज अच्छी मात्रा में बन रहे हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड देखिए यहाँ पे भी उग गया है बहुत सारा, और ये जो कटिंग से लगा हुआ है अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। ये एक ही ब्रांच था और एक ही पे इतने सारे फूल आए हुए हैं, ये भी कटिंग से ही है। इसमें भी जितने भी प्लांट हैं, मैं जो गेंदे के फूल हैं उनको तोड़ने के बाद डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और ये देखिए जो इंग्लिश रोज़ होता है उसके साइड से जो जंगली ब्रांच निकलती है उसको मैंने ऐसे ही गाड़ दिया था, ये देखिए अब अच्छे से सर्वाइव करने लगी है। और ये सारे प्लांट, इनकी मुझे हैवी प्रूनिंग करनी है, पूरा यहाँ से छाट के निकाल देना है, तो ये अच्छे फ्लावरिंग करेंगी। इसकी जो ब्रांच मैंने लेकर लगाई है, चलिए मैं उसके फूल दिखाती हूँ, वो थोड़ा चेंज है। ये देखिए मैंने उसी के ब्रांच को लेकर यहाँ पे एज अ कटिंग लगाया था, तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसके फूल उससे डिफरेंट है। और बहुत सारे स्पेंट फ्लावर जिन्हें प्रून करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से, तो इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, फिर किसी गमले में एक साइड रख देती हूँ। ये सूखते हैं, डिजॉल्व होते, डिकम्पोज होते हैं। अडेनियम में देखिए अब कल जो उसकी पत्ती है ऊपर की दिखने लगी है ऊपर से। और ये जरबेरा का एक नया फूल खिला है, और इधर देखिए दो कलियाँ भी हैं, इसमें सभी खिल चुके हैं और जो भी कलियाँ छोटी हैं। और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे फूल खिलने के बाद गिर जाते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव यू नाइस डे।